बाप के मरने के बाद बेटे ने माँ को पुराने घर में छोड़ कर आ गया। खुद साल में एक चक्कर लगा लेता था। एक दिन पुराने घर से उसे कॉल आई कि आपकी वालदा की तबीयत बहुत खराब है। बेटा गया, देखा वालदा की तबीयत वाकई में बहुत खराब थी, वो मौत के करीब थी। बेटे ने पूछा, माँ मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? माँ बोली, बेटा इस पुराने घर में पंखे नहीं है, तुम यहाँ पंखे लगा दो। बेटा हैरान और परेशान होके बोला, माँ आपने इतनी उम्र यहाँ गुजार दी, अब मौत के करीब आपने ये फरमाइश की? माँ बोली, बेटा मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, पर एक डर है कि कल को जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ कर चले जाएंगे तो तू गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा मेरे लाल। बेटे ने जब ये बात सुनी तो बेटे के पैरों तले जमीन निकल गई, वो अपने आप को आज तक माफ नहीं कर पाया। दोस्तों, माँ तब रोती है जब बेटा खाना नहीं खाता, और माँ आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता। एक माँ से 10 बेटे पल जाते हैं, मगर 10 बेटों से एक माँ नहीं पली जाती। वाह जी वाह, कुछ याद कर, जब तू बचपन में अपने आप का वजन नहीं उठा पाता था और चलते चलते गिर जाता था, तो तब तुम्हारी माँ तुम्हें संभालती थी, तुम्हें चलना सिखाती थी। और हाँ, जब ठंड में रात को 3-4 बजे बिस्तर पर पेशाब करते थे तो वो तुम्हारी माँ अपनी गहरी नींद को छोड़ कर तुम्हें आराम की नींद सुला देती थी। और अगर आज तुम बड़े हो गए हो तो माँ पर चिल्ला रहे हो, उसको बोझ समझ रहे, शर्म नहीं आती ये सब करते हुए अपनी माँ के साथ? अगर वो चाहती तो तुम्हारा बचपन में ही गला दबा सकती थी, पर वो माँ है, माँ के लिए उसका बच्चा उसकी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है। खुद को चाहे कितनी ही तकलीफ हो, माँ अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं देख सकती। दोस्तों, आज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि माँ के लिए सबको छोड़ देना, लेकिन कभी किसी के लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि जब माँ रोती है ना तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। अगर आज इस वीडियो के बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो समझ जाना कि तुम एक जिंदा लाश हो। और अगर तुम्हें माँ के प्यार का एहसास हो गया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर करने पर किसी और के अंदर भी माँ के प्यार का एहसास हो जाए।